तो ये अब इसमें के रस्में नहीं करेंगे, निकाह नहीं, रस्में सारी इसके अंदर मामला, अब वलीमा होगा। अरे निकाह में हमारे यहाँ पर ये है कि निकाह है और वलीमा है, वो भी सिर्फ लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से तो कोई बोझ ही नहीं है उसके ऊपर, उसको कुछ नहीं करना है। अब ये कि शुरू जब निकाह हम हमारे यहाँ जैसे शादी हो तो शुरू से ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हम फिर बाद में जाके पाबंदी करते नहीं होती है, शुरू से करें इसके अंदर। शुरू से क्या करना है कि जहाँ से शादी शुरू करना है कि बातचीत हो गई कि भाई ये हो गया, अब हम निकाह कब करना है, हो गया बस, इसको आप दो घर वाले जो बैठे हैं रिश्ता जिन्होंने तय कर लिया रिश्ता की वो रहेगा पता। अब उसको भी क्या है दस्तूर शामिल किया जाता है, क्या हो रहा है दस्तूर लेकर आ रहे हैं, दस्तूर ये भी रस्म होती है, इस्लाम में है ही नहीं ये चीज़, दो जनों में बात हो गई, अब दस्तूर उसके अंदर एक आ रहा है, सब इधर से भी लोग आ रहे हैं, खाने चल रहे हैं, इतनी गाड़ियां भर के जा रही है, वो भी हो रहा है, फिर सगाई, ये इनके नाम से मालूम पड़ता है सब हमारी चीजें नहीं है, फिर सगाई हो रही है, फिर वो भी रखी भी जा रही है, साल साल दो दो साल हो रही है, फिर बीच बीच में त्यौहार आ रहे हैं तो उस फिर वो वहां से वो भी रस्में आ जाती है हमारे पास, कि अब शादी इसकी सगाई 3 साल हो गए, पिछला आया तो क्या हुआ कि वो जिस तरह से हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों के अंदर होता है, उनके यहाँ सावन आता है बारिश के अंदर, तो बोले सावन का जोड़ा ले जा रहे, हमारे यहाँ फिर ईद आती तो ईद का जोड़ा ले जा रहे, उसके लिए पूरा सजा सुजू के फिर वो ले जा रहे हैं वहां पर, उसको दे रहे हैं वापस ले जाते हैं, ये वहीं से आ रही है रस्में सारी। तो इसमें ये किया जाता है फिर सगाई, उसके बाद फिर शादी की तारीख तय करने के लिए, तय तो है पहले से ही, दो लोगों ने पहले फोन पे ये बात कर ली, मिल गए, उन्होंने कहा एक तारीख दी है, फला तारीख 7 तारीख को निकाह, बाद नमाज ईशा ये हो गया, तब बोले एक तारीख, बोले तारीख लेने जाना है, बोले तारीख ले तो ली थी, बोले नहीं लेने फिर जाना है, वहाँ बैठेंगे फिर कागज पे लिखा जाएगा, सब लोग बैठेंगे, उसको बांधा जाएगा धागे वागे से, और फिर उसको सौंपा जाएगा, ये तारीख पक्की खरी पक्की, तो नोटरी करवा लेते फिर उसकी, बदल नहीं जाए बाद में, तो तय हो गया है, तो दो लोगों की जुबान की बात है, तय हो गया, उसमें गवाह भी थे, दो आपकी तरफ से दो उनकी तरफ से, ये गवाह है उसके अंदर, आदिल गवाह लोग रखो, मुकरे नहीं बात है, तो हो गया उसके अंदर, फिर एक पूरी उसको भी रस्म बना दिया गया, जो बड़ी रस्म ही है, उसके अंदर भी बुलाया जाता है, किया जाता है, उसके फिर शादी शुरू होती है। तो शादी जब शुरू हो रही है, निकाह आपका शुरू हो रहा है, तो कार्ड शुरू होता है, अब कार्ड की चॉइस की जाएगी, अब कार्ड के अंदर से ही सबसे ज्यादा खर्चा आज की तारीख में होता है, और इसके अंदर लोग की बिल्कुल सादा होना चाहिए, बिल्कुल एक सादा व्हाइट पेपर के ऊपर छपा हुआ कि भाई इस दिन ये निकाह है और ये आपका वलीमा है, आपके स्वागत के लिए आपके आमद के मुंतजिर है, बस ये आपने छाप के आपको दे दिया, बस सादा सिंपल सा, ज्यादा कुछ है तो लिफाफे में पैक करके दे दो, लेकिन सादा होना चाहिए। अब ये बड़ा एक खर्चा आज के उसके अंदर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लाख लाख रुपए सिर्फ कार्ड में खर्चे होते हैं, एक एक कार्ड बनाया जा रहा है जिसकी जो है 200-300 हज़ार रुपए तक के कार्ड, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप किसका मुकाबला करेंगे इस कार्डों के अंदर। अभी हमारे यहाँ पर इंडिया के सबसे अमीर आदमी के यहाँ पर शादी थी उसके लड़के की, 3 लाख का एक कार्ड था, 3 लाख की आप शादी नहीं कर सकते, क्या मुकाबला करेंगे इसके अंदर, तो आप कहाँ जा रहे हैं उनके साथ पीछे लगकर, ये तो बढ़ता जाएगा करते जाएंगे, इस्लाम सादगी पसंद करता है, तो कार्ड बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ये तो फिर भी हमने छपा लिया, ठीक है आज के टाइम में जरूरी है, आदमी को याद नहीं रहता तो आप सादा सिंपल छाप के दे दो, नहीं तो खाली मुंह जबानी कहना ही काफी है, इतना ही हो सकता है, तो इसको सादगी से करें, तो यहीं से अगर हम खर्चा इसको सादगी से करेंगे और यहाँ हमने बचा लिया, तो फिर आदमी आगे इसको फिजूल खर्ची से बचाएगा, नहीं तो यहीं से स्टार्टिंग है उसकी, स्टार्टिंग में उसने अगर यहाँ पर कार्ड के अंदर 10-20 हज़ार खर्चा कर दिया, तो फिर कहेगा अरे कार्ड में 10 कर दिया था, तो फिर बारात ले जानी है, तो बारात में 50 हज़ार की बस ले गए तो क्या फर्क पड़ रहा, 10 हज़ार की 2-4 गाड़ी और ले गए, तो फिर वो आपने शुरू में फिजूल खर्ची कर दी है, तो फिजूल खर्ची करने वाले कौन है, शैतान के भाई है, तो फिर वो तो लगाएगा चले जाओ, फिर वो बढ़ता जाएगा खर्चा। तो सादगी पसंद तो यहीं से शुरू करना है, जो कार्ड स्टार्टिंग हम करते हैं इसको सिंपल रखेंगे तो आगे भी फिर फिजूल की चीज़ें नहीं होंगी, और उसके बाद में फिर सारी, क्योंकि ये आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम को तो मालूम भी नहीं होता था, निकाह ही नहीं मालूम पड़ता, आप क्या बात कर रहे हैं, कार्ड छपा के और आप बताएंगे दुनिया भर को, साहबा शादी कर साहबा के निकाह हो जाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लम को पता नहीं, बाद में पूछते वो या कोई आकर बता के उनका निकाह हो गया, ये हमको मिलता है ना वलीमे की जितनी हदीस मिलती है उसमें ये आता है, उन्होंने एक साहबी जा रहे थे उनके ऊपर कुछ, उन्होंने वो अरब में होगा राइज वहाँ पर के उनके ऊपर कुछ पीले कलर का कुछ कलर था या ये केसर होगा जिसका छीटा लगा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो बोले अलग से मैंने निकाह कर लिया, बताए वक्त का नबी रसूल मौजूद है उनको पता नहीं, और हम कार्ड छपा के दुनिया भर को बता रहे हैं, तो निकाह वो नहीं है, निकाह में बिल्कुल इतना था मालूम ही नहीं, फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि वलीमा करो चाहे एक छोटी बकरी हो,
और अल्लाह के रसूल ने वली में किए और बिल्कुल शादी भी किए, यहाँ तक भी किया अल्लाह के रसूल सल्लम की नहीं था उनके पास में, तो कहा कि सबको के निकाह कर लिया, सबसे कह दिया कि उनके जितने सहाबा थे जो वहाँ मौजूद थे उनसे कहा अपने अपने खेमों से अपने अपने घरों से खाना लिया, जहाँ बैठ के खा लो वली में हो गया। इतना सादा सिंपल दीन है हमारा, और इसके अंदर हम देखते हैं इतनी सारी चीज़ें, हल्दी मेहंदी मायरे मोसारे, वो शादी उसके यहाँ हो रही, ये लड़के की यहाँ शादी, उस लड़की की शादी, वो बच्चों इसका मामा परेशान, इसके खाला परेशान, मामेरा मोसारा सब लेके आ रहे, वो कह रहे भारी ये शादी हुई, 50,000 का हमारे खर्चा हो गया, लाख रुपए का हमको लाना पड़ गया इसके अंदर। ये बिजुल की रस्में ही हमारे नाम से मालूम पड़ता है, हमारी रस्में नहीं है ये, इसको जो पाल रखा, और इसके अंदर भी चीज़ें ऐसी हकीर चीज़ें दी जा रही है जो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा टावल दिया जाएगा जो वो कुछ इस्तेमाल ही नहीं करता, वो बस पैकिंग का पैकिंग ही रहता है, ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जो इसने दिया तो ये दूसरे को पन्ना रहा, वो उसको पन्ना रहा, वो ऐसे ही फट जाता हो, सिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसी क्या रस्में आपने पाल ली है कि ना उसी काम का भी नहीं, पहनने के भी नहीं दे रहे आप उसे। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में नहीं। फिर राती जगह उसके अंदर फिर और बढ़ा लिए, राती जगह, राती जगह ये भी गैर मुस्लिम साहब उनके वहाँ तो बुलाया जाता है भेरू बाबू जी के, आपके यहाँ किसको बुलाया जा रहा है रात जगने के बाद। ये हमारे यहाँ पर डांस हो रहे फिर उसके अंदर और बढ़ा लिया, राती जगह के अंदर डांस प्रोग्राम होते हैं, बारात बारात भी नहीं है इस्लाम होते तो अल्लाह के रसूल को सहाबा नहीं ले जाते, आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनको तो मालूम ही नहीं, तो बाद में पता चल रहा है कि अल्लाह के रसूल मैंने निकाह कर लिया। तो जो उसके घर वाले जिन्होंने बातचीत की, जो गवाह हैं उसके अंदर एक वकील दो गवाह, और जो घर वाले उनके माँ बाप भाई बहन हो गए, बस जाके निकाह करके ले आया, ऐलान तो वलीमे में होगा कि इसका निकाह हो गया, तो ये भी नहीं है। और ये तो इससे तो पीछा कोई भी नहीं छुड़ा पा रहा, जो कह रहे हैं कि हाँ नहीं होना चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए, वो भी फिर बारात में तो नहीं, बारात के अंदर तो वो भी गाड़ियाँ भर के ले जाए, ट्रेनें भर के ले जाए, नहीं ये तो चलेगा, ये तो होना चाहिए, तो फिर आप ही नहीं, इसे नहीं छूटेगा तो फिर आपको देखकर आदमी उसे गड़ता है, आप उससे एक रस्म छुड़ा रहे, बोले हल्दी मेहंदी गलत है तो बोले बारात गलत नहीं थी क्या, तुम तो ले गए बारात। तो ये खुद को करना पड़ेगा, अमल करेंगे तब जाकर वो चीज़ इम्प्लीमेंट में आती है, नहीं तो नहीं आती है। तो देखो घोड़ी है शेरा है, घोड़ी जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल, देखिए जंग लड़ने जा रहा है रेस करने जा रहा है क्या, शेरा बांधा जा रहा है उसको दिख भी दे रहा हो, बड़े बड़े इतना बड़े बड़े को घोड़ा भी ढक जाता साथ में, इतने बड़े बड़े शेरे बांधे जा रहे हैं सारी चीज़। तो ये चीज़ें इस्लाम में नहीं है, बेफिजूल की रस्में। फिर दूल्हे, फिर उसमें और रस्में ऐसी भी हैं जिसके अंदर औरतें और मर्द खलत मलत हो रहे, मेहंदी लगाई जा रही है, दूल्हे को उंगली पकड़ी जा रही है, उसकी साली उसको आकर मेहंदी लगाई जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लम ने तो फरमाया कि गैर मेहरम है वो, उसके लिए कि उसके हाथ को छू जाए, अल्लाह के रसूल पसंद नहीं किया कि मेरा हाथ जल जाए, वो पसंद किया अल्लाह के रसूल ने, लेकिन किसी गैर मेहरम से छू जाए। तो ये रस्में हमारे यहाँ पर होती है मुसलमानों के अंदर, ये कर रहे हैं। फिर सलामी हो रही है, तोप भी लगा दो 21 तोपों की सलामी, ये क्या सलाम क्या है समझ में, वो गए जमीन तो सलाम करके गए होंगे, फिर अलग से बेटी बेटी उठ के जाएंगे दरवाजे पर सलाम। ये सारी रस्में रिवाजें इसके अंदर बढ़ती हम देखते जा रहे हैं। तो निकाह जो है ये सुन्नत है, और अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो शादी है, फिर आप वो निकाह मीन सुन्नत ही लिख रहे हैं आप, कोई फ़ायदा नहीं है उसको आपको लिखने का। और ये है कि निकाह के अंदर लोग शामिल हो अगर हैं तो, ये नहीं कि वो निकाह में तो बेचारे चंद बुजुर्ग लोग बैठे हुए और बाकी सब गप्पे शप्पे आसपास में कर रहे हैं, नाच रहे डांस कर रहे हैं, तो ये निकाह के अंदर आए आप तो फिर मौजूद होना चाहिए, निकाह में बैठा होना चाहिए, और निकाह मस्जिद में होने चाहिए, ये सुन्नत है अल्लाह के रसूल मस्जिद में निकाह किए सब, तो ये उसके अंदर होना चाहिए। तो फिर ये तो निकाह में अगर लोग जाएँ तो फिर वो निकाह में शरीक होना चाहिए, आस पास में नहीं रहे, वो मस्जिद के अंदर होना चाहिए। मस्जिद के अंदर अगर निकाह होगा तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। जैसे निकाह के अंदर लोग शराब पीकर जा रहे हैं, बारात में गए पूरे शराब नाचे ढोल बाजे से मजा करो, फिर वो निकाह में बैठे हुए, अब उसमें कौन सी उस निकाह में बरकत आएगी बताइए आप, वो क्या दुआएँ उनकी काम आएंगी। अगर ये मस्जिद में होगा तो जो ये लोग हैं ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। इतना तो मुसलमान कितने भी इतना तो ईमान उसके अंदर होगा कि वो मस्जिद के अंदर ये चीज़ें करके नहीं जाए, बे औरतें वहाँ पर बेपर्दगी नहीं होगी, वो शादी में तो होती है औरतें भी आ रही हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन मस्जिद में होगा तो मस्जिद में अगर औरतों का निज़ाम भी रखा जाएगा तो वो भी आएंगी चुपचाप बैठेंगी, बेपर्दगी नहीं होगी वहाँ पर। तो मस्जिद में होगा तो फिर ये होना ही चाहिए, वो सुन्नत भी यही है। और फिर उसके बाद ये भी एक हमारे यहाँ पर एक हो गया कि निकाह के दिन खाना, निकाह के बाद खाना होता है वलीमा उसको कहा जाता है, अब उसके दिन भी खाना ये लोग कोल तो पहले ही कर देता, अरे बाद में कौन करे पहले ही करो, तो ये चीज़ें नहीं, ये बात की चीज़ें बाद में होती है। और उसके बाद सब